अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। आज हम फाइंड करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हमने इनका एलसीएम फाइंड करना है, यानी कि इन्हीं नंबर्स को प्राइम नंबर से हमने डिवाइड कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला फर्स्ट करता हूँ तो आपको समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक 14 दिया हुआ, एक 21 दे दिया दिया हुआ है हमें। इन दोनों का हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर बनाएंगे। और फैक्टर कैसे बनाते हैं आपको पता है, 14 का अगर बना दें तो क्या होगा, 2 7 14 और 7 1 7। देखिए आगे इसके फैक्टर्स, और 21 के भी फैक्टर्स बनाएंगे, 3 7 21 7 1 7। तब हम इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हम इस तरह निकालेंगे, इसमें दोनों के नंबर्स लिखेंगे पहले दोनों के, यानी कि 14 के कौन कौन से आए हैं हमारे पास, 2 आए हैं, 7 आया है, और 21 का क्या क्या आया है, 3 आया है और 7 आया है। अब इसमें एलसीएम ऐसे लिखते हैं बच्चों कि आपने जो कॉमन है उनको भी ले लेना है एक दफ़ा, ठीक हो गया, कॉमन को ले लिया, और नॉन कॉमन जो है उनको भी हम ले लेंगे, यानी कि 2 को भी लेंगे और 3 को भी लेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे वो इनका एलसीएम हो जाएगा। बात समझ आई है बच्चों, 7 2 14 और 3 करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई करना होगा आपने, तो क्या होगा, 3 4 12 12 तो 1 कैरी, 3 1 3 तो और 1 4, यानी कि 42 इसका एलसीएम हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सारा क्वेश्चन करेंगे, तो बाकी क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करना। ये क्वेश्चन नंबर 5 है जी, जिसमें हमारे कमी कहा गया 49 71 05 84, इनका एलसीएम फाइंड करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 49 70 और 105, अच्छा जी, और है जी 84, ये नंबर्स दिए हुए, इनका हमने एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, एक एक करके फैक्टर बना देंगे, सिंपल है, 49 के भी हमने फैक्टर बनाने हैं, तो क्या होगा, 49 किससे हो सकता है, 3 से हो सकता है, 3 से नहीं हो सकता, 7 से ही हो जाएगा, 7 7 r 49 और 7 1 7 हो गया। इसी तरह 70 के भी फैक्टर बनाएंगे, 70 के किस तरह बनाएंगे, 70 का हमने 2 से कर सकते हैं, 2 3 6 1 इधर जाएगा 10 होगा, 2 5 10, अच्छा अब इसको किस तरह कर सकते हैं, हम 3 से कर सकते हैं, क्यों, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 3 से 5 और 3 से करें तो नहीं हो सकता, अच्छा जी अब 4 से भी नहीं हो सकता, 5 से करेंगे, 5 7 35, 7 1 7, ये भी हो गया। अब हम 105 का निकालते हैं, 105 का, अब इसको किससे कर सकते हैं, हम 5 से कर सकते हैं, उसके अलावा चांस ही नहीं है, 5 2 10, 5 1 5, अब ये 3 से कर सकते हैं, क्या होगा, 3 से 3 7 21, 7 1 7, ये आ गया। अब एक लास्ट नंबर हमारा रह गया जो कि 84 है, 84 को मैं इस साइड पे कर लेता हूँ, 84 को देखें, ये अलग क्वेश्चन है, अच्छा 84 को करेंगे, 2 से हो सकता है, बिल्कुल, 2 4 8 2 2 r 4, फिर 2 से हो सकता है, 2 2 r 4 2 1 r 2, फिर 3 से करेंगे, 3 7 21, 7 1 7, बिल्कुल ईजी है ये चीज़ें। तो पहले सबसे पहले 49 के फैक्टर वो लिखेंगे हमने, फैक्टर्स के लिए 7 × 7 आ गया, और 70 का क्या क्या आया था हमारे पास, 70 का आ गया था 2 5 7, यानी कि 2 5 और 7, फिर इसी तरह 105 का अगर करें तो उसके क्या क्या आएगा, 5 3 7, ये 105 का आ गया। 84 का भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या, निकाले हुए हमने 2 × 2 3 × 7, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं हमें पता है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, ये कॉमन सारों को एक दफ़े लिखने होंगे, सब में जो कॉमन है, 7 सब में कॉमन था लिख लिया, और कॉमन किस में था उसको हम लिखेंगे कॉमन को, तो हमारे पास आ जाएगा। अब देखें फिर जो दो दफ़ा है उनको भी लिखेंगे, जो 3 दफ़ा है उसको भी लिखेंगे, तो देखें अब यहाँ पे एक चीज़ आपको सामने क्लियर दिखाई दे रही हो, ये 2 है 2 दफ़ा है तो हम इसको एक दफ़ा लिख देंगे, और ये 3 है, ये 3 है ये भी 2 दफ़ा है तो इसको भी एक दफ़ा लिख देना है,
थ्री को लिख दिया कॉमन, ये दोनों में था तो एक दफ़े लिख देंगे, ठीक हो गया। और कौन सा जैसी चीज़ है जो दोनों में दो दफ़ा, ये टू है देखो ज़रा, टू इधर भी है इधर भी है, उसको भी हम एक दफ़े लिख देंगे। अच्छा टू को भी लिख दिया, अब क्या रही है नॉन कॉमन, तो बिल्कुल नहीं कॉमन है वो, एक टू है एक सेवन है, एक टू को लिखेंगे और एक सेवन को लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी। तो एलसीएम क्या बनेगा इनका, इन सबको मल्टीप्लाई करने से जो आता है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। चलो अगर 7 5 35 होता है, आगे 3 है आगे 2 है आगे फिर 2 है आगे फिर 7 है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। 3 5 10 0 आ गया 1 के लिए, 3 5 15 होता है 15 तो 1 के लिए, 3 3 9 तो 110, 105 आ गया 3 को करने से, और अब इनको करेंगे ठीक हो गया। अब देखें 105 इन दोनों को करने से 4 आ रहा है, अब 4 को करेंगे इस 105 के साथ, 4 5 20 आते हैं 02 के लिए, यानी कि 20 पूरा लिखेंगे, 4 1 4 20 4 20 आ गया। अब 7 से करना होगा, 700 और 7 2 14 होता है, 4 1 गेरी 7 4 28 तो 28 और 1 29, तो ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक हो गया बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।